सेक्टर 31 की ज्वेलरी शॉप में हथियार के बल पर दिन दहाड़े लूट करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ज्वेलर से दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद जब आरोपी भाग रहे थे तो ज्वेलर्स ने बहादुरी दिखाते हुए इन बदमाशों से लूटी गई ज्वेलरी का बैग वापस छीन लिया था। लोगों को एकत्र होता देख एक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अनूप और संदीप के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों ही आरोपी फैजाबाद में नौकरी करते थे। जल्द अमीर बनने की लालच में आरोपियों ने इन वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई और गुड़गांव पहुंच गए। यहां लूट की वारदात को अंजाम देने ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे और वारदात को अंजाम भी दे दिया, लेकिन वह अपने साथ लूटी गई ज्वेलरी नहीं ले जा सके। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था किस तरह से दो युवक ज्वेलरी शॉप में आते हैं। एक ने ज्वेलर्स पर हथियार तान दिया और गोली मारने की धमकी दी, जबकि दूसरा बदमाश यहां लॉकर से और शोकेश में रखी ज्वेलरी को अपने बैग में भरने लग जाता है। वारदात के बाद जब आरोपी फरार होने लगते हैं तो ज्वेलर्स हिम्मत दिखाता और बदमाशों पर टूट पड़ता है और ज्वेलरी से भरा बैग वापस छीन लेता है। लोगों को एकत्र होता देख आरोपी फरार हो जाते हैं। वारदात के बाद आरोपी वापस फैजाबाद चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पहली बार ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में प्रयोग किया गया हथियार और बाइक बरामद किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सेक्टर 31 में एक ज्वेलरी शॉप में बाइक सवार दो युवकों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ज्वेलर्स की सूझबूझ और बहादुरी के कारण आरोपी लूटी गई ज्वेलरी को अपने साथ नहीं ले जा सके थे। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, आपको जानकारी दे दें, हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने, एक ज्वेलर्स की शॉप के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम देने के संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार करा है। इसमें जो इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 10 मार्च को करीबन लगभग 9:30 बजे एक ज्वेलर शॉप है साउथ सिटी 1 के अंदर, उसके ऊपर एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दो आरोपियों द्वारा इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उस लूट की वारदात का जब अंजाम दिया गया तो उसके संबंध में एक लिखित शिकायत हमारे सेक्टर 40 पुलिस स्टेशन है गुड़गांव का, वहां पर एक प्राप्त हुई और उसके संबंध में अभियोग दर्ज करा गया। अभियोग दर्ज करने के उपरांत जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 है और पुलिस स्टेशन की टीम, दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसकी जानकारी इकट्ठी करी गई और इंस्पेक्टर जो इंचार्ज हमारे सेक्टर 40 है नवीन, उनकी दिशा निर्देश और उनकी डायरेक्शन में और उनके द्वारा एक टीम गठित करी गई। इसमें उप निरीक्षक जो सब इंस्पेक्टर हमारे प्रवीण है, उनके द्वारा टीम को लीड करा गया और इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और फर्दर ये बता दिया जाए कि जो साउथ सिटी 1 में एक ज्वेलर शॉप है जिसके ऊपर ये वारदात करी गई थी, उसके जो ज्वेलर शॉप के जो संचालक हैं, मालिक हैं, अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्होंने इस वारदात को होने के बावजूद भी अपना सामान बचाया और उन दोनों आरोपी जिन्होंने एक वेपन को दिखा के और उस सारी वारदात को अंजाम दिया था, उनसे अपना सामान वापस छीनने में इसमें सफलता हासिल कर ली थी। उसकी सभी सीसीटीवी फुटेज भी थी और काफ़ी सेंसेशनल ये मैटर बन गया था, तो हमारे लिए भी चैलेंज था। तो जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम सेक्टर 40 की टीम है, इंस्पेक्टर नवीन ने काफ़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए उन दोनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। देखिए, ये दोनों ही लड़के जो हैं, इनकी जो पहचान हुई है, एक संदीप उर्फ सोनू उर्फ काड़ू, ये झज्जर का मूल निवासी है, उम्र इसकी 23 वर्ष है, और इसी का दूसरा साथी अनूप जो फिरोजाबाद यूपी का मूल निवासी है और उसकी उम्र 19 साल है।
ये दोनों ही आरोपी पिछले लगभग साल डेढ़ साल से आगरा में बतौर डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे थे और वहीं पर इनकी जान पहचान हुई। उसके बाद इन्होंने ये प्लान करा कि किसी तरीके से गुड़गांव में, क्योंकि इस तरीके से गुड़गांव में काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, तो ये दोनों साथ में ही फरवरी 2024 के अंदर गुड़गांव आ गए और गुड़गांव में ही अपने काम की तलाश करने लगे। काम की तलाश करने के दौरान, क्योंकि पैसों का काफ़ी क्रंच था और इस तरीके की रिक्वायरमेंट थी इनकी, तो इनके माइंड में ये बात आई कि क्यों ना इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी समय से आगरा में रह रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोगों से जान पहचान थी। वहाँ से इन्होंने वेपन, जो देसी कट्टा था, वो प्रोक्योर करा, वहाँ से उन्होंने लिया और इस वारदात की प्री प्लानिंग करते हुए 10 तारीख को ही गुड़गांव से सेक्टर 53 के एरिया से एक बाइक को चोरी करा, ताकि उस वारदात में उस बाइक को इस्तेमाल कर सके और उस बाइक और उस देसी कट्टे को इस्तेमाल करते हुए साउथ सिटी 1 के एक ज्वेलर शॉप पे लगभग 9:30 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दे दिया। सर, क्या इनका पहले भी कोई नजर होगा? अभी तक की जो पूछताछ और जो प्रारंभिक पूछताछ आई है और उसमें अभी तक इनका कोई प्रारंभिक इस तरीके कोई पहले का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं सामने आया है, लेकिन और गहनता से पूछताछ करी जा रही है। संबंधित की सभी जानकारियां जो उनके लोकल पुलिस स्टेशन हैं जो जहाँ और हमारे अन्य दूसरे सोर्सेस हैं उसके माध्यम से भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। रिमांड सीख, हाँ, इनका 2 दिन का रिमांड सीख करा गया है। संबंधित जो जहाँ जहाँ से इन्होंने वेपन प्रोक्योर करा है, वेपन लिया है और किस तरीके से, और दूसरी अन्य वारदात जो बताया गया कि जैसे एक बाइक चोरी करी गई है उसके संबंध में जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी इकट्ठी करने के लिए इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल करा गया, वेपन रिकवर कर लिया गया।